गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम आप सभी को टेंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज पूरा हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका अनुवाद कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। अब पूरा ट्रांसलेशन है, इसमें पहले इंट्रोगेटिव वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है या है लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद यदि नहीं आता है तो उसकी अंग्रेजी नाम लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड पार्ट लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं, ये इसका फार्मूला है। जैसे आया तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ा, तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। अब पहले लिखेंगे कौन की अंग्रेजी हुआ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब का थर्ड पार्ट स्टार्ट हुआ, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड का काम नहीं कर रहा है इसलिए सब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ यू और इंग्लिश, तो इसका अनुवाद हो गया हु है स्टार्ट यू इंग्लिश। दूसरा है वह क्या तुमने अपनी कलम नहीं दिया है, तो क्या की अंग्रेजी पहले लिखें वर्ड होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट हुआ ही, इसके बाद नहीं सब आया है नाम लिखेंगे, फिर दिया है गिवन हुआ, तुम्हें यू हुआ ऑब्जेक्ट है, इसके बाद अपनी कलम भी ऑब्जेक्ट है, इसमें हुआ, तो इसका हो गया वर्ड है ही नाम गिवन यू हिज पेन, इसके बाद है मैं तुम्हें कब अपनी कलम दिया है, पहले कब की अंग्रेजी है लिखेंगे, इसके बाद है लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट मैं है, मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगा, व्हेन है आई, गिवन हुआ इसके बाद ऑब्जेक्ट यू हुआ माई पेन और यू लिखे इसके बाद माई पेन हुआ, तो गया व्हेन है आई गिवन यू माई पेन, इस तरह अनुवाद हो गया। अगला है वे अब कहाँ जा चुके हैं, पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर होगा, इसके बाद है होगा, है के बाद सब्जेक्ट दे बहुवचन है, इसके बाद जा चुके हैं गान हुआ, फिर अब की अंग्रेजी नाउ हुआ, इस तरह हुआ वेयर है दे गान नाउ, वेयर है दे गान नाउ। फिर अगला है तुम कौन सी किताब पढ़ चुके हो, अब कौन सी किताब की अंग्रेजी विच बुक हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हुआ, फिर सब्जेक्ट यू हुआ, इसके बाद पढ़ना पढ़ चुके हो, रीड रेड रेड होता है, इस तरह हुआ विच बुक है यू रेड। अगला है रवि और सुरेश क्यों नहीं अपना बीकार कर चुके हैं, पहले होगा क्योंकि अंग्रेजी भाई हुआ, रवि और सुरेश बहुवचन में है इसलिए है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, है रवि एंड सुरेश, इसके बाद नहीं की अंग्रेजी ना हुआ, डन मिस करना और अपना अधिकार देयर होमवर्क हो गया क्योंकि बहुवचन में इसलिए देयर होमवर्क देयर लिखा गया, वाई है रवि एंड सुरेश नॉट डन देयर होमवर्क हो गया, इस तरह से। अगला है गीता क्यों नहीं भोजन मेरे लिए पकाई है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले वाई हुआ, इसके बाद है हेल्पिंग हुआ, फिर सब्जेक्ट गीता हुआ, फिर नहीं नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखा गया, इसके बाद भोजन पकाना तो कुक हुआ, कुक, इसके बाद कुक भोजन हुआ और मेरे लिए फार्मी हुआ, इस तरह वाई है गीता नॉट कुक तो फार्मी, इस तरह इसका अनुवाद हो गया। अगला है तुम कितना दूध पी चुके हो, अब कितना दूध की अंग्रेजी लिखेंगे, पहले हाउ मच मिल्क, मच का प्रयोग कोई तरल चीज़ होती है उसके लिए किया जाता है, ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं, मच मिल्क हुआ, है यू ड्रंक। अगला है वह कितना रुपया खर्च कर चुका है, अब कितना के लिए हाउ हुआ, हाउ मेनी रुपीज, रुपीज तो काउंटिंग करने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ मेनी का प्रयोग करते हैं, हाउ मेनी रुपीज एज ही स्पेंट हुआ, कितना रुपया खर्च कर चुका है। अगला है तुम किसकी किताब पढ़ चुके हो, तो किसकी किताब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, कोज बुक हुआ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हुआ, फिर सब्जेक्ट यू हुआ, इसके बाद पढ़ना का रीड हुआ, फिर होज बुक है यू रेड, होज बुक है यू रेड, इस तरह से आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हुआ।